सो हेलो गाइस, अगर आप भी YouTube पर अपने चैनल बनाकर उस पर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ही स्टेप्स में बता दूंगा कि YouTube पर आप अपना चैनल कैसे बना सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम YouTube पर चलते हैं, जो यहाँ पर YouTube है उसको ओपन करते हैं। और यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर पर जो आपको आइकॉन दिख रहा है, इस पर हमें टैप करना होगा। तो यहाँ पर सर्च के साइड में यहाँ पर जो आइकॉन होता है इस पर टैप करेंगे, और इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर योर चैनल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऐड अकाउंट के नीचे योर चैनल, और यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो भी है। तो यहाँ पर जो योर चैनल का ऑप्शन है इस पर टैप करेंगे, और इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर जो क्रिएट चैनल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इसी क्रिएट चैनल पर क्लिक करके हम अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट चैनल पर टैप करूँगा मैं, और यहाँ पर टैप करने के बाद अब हमारे सामने जो चैनल है वो यहाँ पर बन चुका है। मतलब कुछ ही सेकंड्स में मैंने आपको जो YouTube चैनल है उसे बनाकर दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप आसानी से जो आपका YouTube चैनल है वो बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास Gmail अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास Gmail अकाउंट नहीं है तो मैं इस वीडियो में अब जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। लेकिन अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप सिंपल इसी तरह कुछ ही स्टेप्स में अपना जो यूट्यूब चैनल है उसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, यूट्यूब चैनल बन चुका है। यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं चैनल, एडिट चैनल पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसका जो नाम वगैरह है उसे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर थंबनेल लगा सकते हैं, फोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से मैं बैक हो जाऊँगा, और यहाँ पर देखिए जो यहाँ से आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। देखिए क्रिएट वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट अ शॉर्ट, अपलोड अ वीडियो और गो लाइव, यहाँ पर ये तीन ऑप्शन अभी आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप अपने वीडियो को बना सकते हैं और इस पर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो इस वीडियो में अब मैं आपको दिखाता हूं कि जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करें, उसी के बाद आप आसानी से यूट्यूब चैनल को बना सकते हैं। तो गाइस देखिए, अब यूट्यूब पर जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद जो सिंपल स्टेप्स मैंने आपको बताई हैं उसी के जरिए आप आसानी से यूट्यूब चैनल को बना सकते हैं। तो गाइस चलिए उस प्रोसेस को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम YouTube को ओपन करते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर पर जो आइकॉन दिखता है कॉर्नर पर, तो इस पर टैप करेंगे, और इस पर टैप करने के बाद अब यहाँ पर ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर ऐड अकाउंट, मैं यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि इसको कैसे क्रिएट करना है या फिर जो यूट्यूब चैनल है कैसे बनाना है। तो यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे, तो ऐड अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए चेकिंग इन्फो है। तो यहाँ पर मैं इसका जो स्क्रीन लॉक है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है नीचे साइड, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए हैं, फॉर माई सेल्फ और टू बिजनेस माई बिज टू मैनेज माई बिजनेस। तो यहाँ पर फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें, और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है, यहाँ पर मेल या पर फीमेल सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मंथ डे और ईयर वगैरह डाल के, और यहाँ पर नीचे साइड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपको अपना जीमेल एड्रेस बनाना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी अपना जीमेल एड्रेस बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं कुछ भी, जैसे कि राहुल 123 और यहाँ पर राज, कुछ भी बना सकते हैं आप। अभी यहाँ पर शो भी होगा, यह है किसी ने बना तो नहीं रखा पहले से। तो यहाँ पर ये इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद
यूजर नेम इज़ टेकन ट्राई अनदर, मतलब ये वाला जो यूजर नेम है वो टेकन हो चुका है, तो यहाँ पर मैं 454 ऐड कर देता हूँ, और ए भी टेकन है तो यहाँ पर इसके लिए मैं कुछ सिंबल भी ऐड कर देता हूँ, एट द रेट नहीं, यहाँ पर डॉलर। तो यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिर्फ लेटर ही डालना रहता है, तो यहाँ पर मैं और कुछ जो नंबर है वो मैंने ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पर बस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए जो क्रिएट हो चुका है जीमेल अकाउंट, मतलब सक्सेस हो चुका है, वो जो जीमेल मैंने यहाँ पर डाला था वो अभी बन जाएगा। और यहाँ पर अभी हमने पासवर्ड चूज़ करना है, तो यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे, जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं यहाँ पर डाल लें, और इसके बाद जो नेक्स्ट बटन है यहाँ पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो गूगल अकाउंट है वो बनकर तैयार होने वाला है, यहाँ पर हम SIM पर क्लिक करेंगे, और SIM पर क्लिक करने के बाद ये देखिए जो मेरा जीमेल अकाउंट है वो मैंने क्रिएट कर लिया है, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर प्राइवेसी टर्म्स एंड प्राइवेसी आ गई है, तो यहाँ पर आई एग्री बटन पर क्लिक करेंगे, और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद जो हमारा जीमेल अकाउंट है वो हमने क्रिएट कर लिया है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनका जीमेल अकाउंट नहीं है, अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर कॉर्नर पर जाके उस जीमेल अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पर आ चुका है जो मैंने अभी बनाया था। तो यहाँ पर जीमेल अकाउंट बनने के बाद अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर योर चैनल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं योर चैनल, तो यहाँ पर इसी पर हम टैप करेंगे, और इस पर टैप करने के बाद ये देखिए यहाँ पर अब ही हमने कोई भी चैनल नहीं बना रखा, तो यहाँ पर हमें क्रिएट चैनल पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट चैनल। तो इस चैनल को कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो गाइस अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।